ये बीन्स कल सोचा था बनाऊंगी, बनाई नहीं, कुछ और बना लिया। तभी देखो सूखने लग गए हैं, तो इसको आज यूज़ करना ही पड़ेगा। देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। और यस, यहाँ पे चढ़ाई है मॉर्निंग वाली चाय, बिल्कुल अकेले पीने वाली हूँ मैं इसको। सो इसी के साथ गुड मॉर्निंग माय लवली एमबी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो एंड आई रियली विश दैट, बिकॉज मौसम ऐसा चल रहा है कि हर कोई बीमार पड़ रहा है और मुझे इतने मैसेजेस टू चेक ऑन मी, यू नो मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ क्या। सो आई एम रियली लकी, सो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट ऑन दिस नोट टू थैंक यू ऑल, पहले टू प्रे फॉर मी, टू कॉन्टैक्ट मी, मैसेज मी कि भाई मैं कैसी हूँ, यू नो एवरी सिंगल डे मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। आई वॉन्टेड टू रिकवर फुल्ली, बिकॉज आपको पता है मेरी तबीयत ठीक हुई फिर वापस से खराब होगी, तो आई वॉन्टेड टू टेक रेस्ट। आई वॉज फाइन बट आई थॉट कि लेट मी जस्ट, मैंने डिसाइड अगर कर ही लिया है तो कि ये हफ्ता आई एम गोइंग टू रेस्ट, तो लेट मी रेस्ट बिकॉज इट्स सो टफ टू रेस्ट। आपके मैसेजेस देख के सब आप वेट कर रहे हो मेरे ब्लॉग का, तो आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, इतना दिन मेरे फ्रेंड्स ने वेट किया है तो कुछ दिन और सही। सो फाइनली आई एम ब्लॉगिंग। सो ये रही मानसी ब्लॉग्स की चाय आफ्टर मानसी ब्लॉग्स रिटर्न्स। चिपक ही गया ये तो। ओके सो निकालते हैं मलाई, तो यही है मलाई जो मैं निकालती हूँ और मैं घी बनाती हूँ। और ये हमारा जो दूध होता है वो मैं नॉर्मल वाला लेती हूँ जिसमें मलाई नहीं आती, बिल्कुल पतली मलाई आती है, अनन्या का दूध होता है, तो उसको गर्म करके पिलाती हूँ, फिर जो बच जाता है ना वो मैं इकट्ठा करती हूँ। तो खाने में जब बनाते हैं काफ़ी चीज़ों में मलाई यूज़ होती है, तो वो यूज़ होती है, देख लो यहाँ से मैंने स्क्रैप करा हुआ है, सो वो मलाई यूज़ होता है, तो इसी में से लेती हूँ। चलो चाय और दूध रख दिया है, यहाँ पे गर्म पानी भी रख दिया मैंने होने को। और आप में से एक फ्रेंड कहता स्वीट से मैसेज आता है कि दीदी आपको देख के ना हमने भी डोंगे पे चाय बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो इतने पतीले हैं, केटल है, बट आई डोंट नो समहाउ मैं जब भी फटाफट से जाती हूँ कि चलो फटाफट चाय चढ़ाते हैं, तो मैं समहाउ इस डोंगे पे ही आती हूँ, एंड अब तक तो आपको पता चल गया होगा। सो सी मेरे फ्रेंड्स हो तो मुझसे यही सीखोगे ना, अच्छी चीजें सीखो यार, डोंगे में मत बनाओ, पतीले में बनाओ, दैट लुक्स नाइस। बट यस, किसको चाहिए लुक नाइस घर पे, यू नो खुद के लिए बनाना है तो इजिएस्ट वे इज द बेस्ट वे। सो आज की चाय एकदम हैप्पी स्माइल के साथ, सो आई होप आप सब भी बिल्कुल स्माइली स्माइली हो, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और एज यूजुअल इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़ का पाउडर। सो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद चीयर्स है मॉर्निंग के चाय के साथ, और आज की चाय में आप ही अकेले मेरे कंपनी हो, बिकॉज सुभाष गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए और अनन्या गई है स्विमिंग पूल, तो उनकी तो बिल्कुल ऐश हो रही है। अनन्या को तो ऐसा है कि एग्जाम्स खत्म हुए नहीं कि मतलब क्या मज़े हो रहे हैं उसके। और यस, तो यस एंजॉय करते हैं आज की चाय। और चेंज दिख रहा है आपको, थोड़ा सा पता चल रहा है कि आई डोंट नो। सो मैंने अपने बाल काटे हैं थोड़े से घर पे ही, ऐसा होता है ना आप घर में ऐसे बैठे बैठे सब बोर होता है कि चलो कुछ चेंज करते हैं, तो चेंज बिगिंस विथ हेयर कट आई गेस। तो मेरे केस में तो वही होता है, मेरे को जब भी ऐसा लगता है ना कुछ चेंज चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ना हल्के हल्के बाल ट्रिम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस बार बाल थोड़े ज़्यादा ही लंबे हो गए थे तो मैंने काट दिए, अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़े से बाउंसी लगते हैं, बिकॉज मेरे बाल बहुत हल्के हैं, जीन्स में मिले मुझे पापा से, उनके बहुत हल्के बाल हैं, तो थोड़े से बाउंसी होते तो अच्छा लगता है, तो मैं बीच बीच में से कट कर देती हूँ, तो अच्छे लग रहे हैं, बताना कमेंट करके कैसे काटे मैंने बाल। तो ये ड्रेन हो गया है क्लॉग, मतलब पानी इतना धीरे धीरे जा रहा है, हर रोज सोचती मैं डाल के छोड़ दूंगी, अब मैं भूल जाती हूँ, आज कुछ ही नहीं है ना, सुभाष है ना अनन्या है, उसको डाल देते हैं कुछ ही, नॉर्मल इन जनरल आपका जो स्टोर है ना वहीं से लेके आई थी मैं, इसमें डाल के एक ग्लास पानी डाल के 30 मिनट छोड़ देना है, कोई है नहीं तो आराम से हो जाएगा। ये कासा इसमें डाल देंगे हम पानी और इसको छोड़ देंगे 30 मिनट्स अनडिस्टर्ब, फिर एक बकेट फुल पानी लेके आपको इसमें डाल देना, ड्रेन हो जाता है क्लीन। सीजर भी धो लिया, ये सीजर ना मैंने नए मंगाए थे, इन्हीं से बाल काटने अपने को दिखाती हूँ, अगर आप सीजर देख रहे हो ना अच्छा, तो ये इसका लिंक दे दूंगी मैं, अमेजोन से मंगाया है, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत टाइम से वो आपको पता होगा पिंक वाला सीजर चल रहा था मेरा, तो 2-3 चीज़ें और मंगाई हैं, सब आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती हूँ। पूरा हफ्ता गया बिना आपको कुछ अपडेट दिए, तो आज तो बनता है ना छोटी छोटी चीज़ें, क्या लिए क्या नहीं लिए, जानना आपका और मुझे बताना। कल मैंने सारा यहाँ पे ये जो है ना ये जाली पूरा साफ किया, काफ़ी गंदा हो गया था, जिस दिन हवा ऐसे चलती है ना इस डायरेक्शन में कि बाहर की तरफ जाए उस दिन मैं झाड़ती हूँ इसको, तो उससे क्या होता है ना मिट्टी अंदर की तरफ नहीं आती है, तो सारी मिट्टी बाहर चली जाती है, इतना फ्रेश हवा आती है ना यहाँ से। चलो डिश वॉशर लगाया था,
धुल गए कपड़े। डिश वॉशर का सबसे बेस्ट पता क्या लगता है, जैसे ही बर्तन धुलते हैं ना फ्रेश और गर्म रहते हैं, अब जैसे इसको खोलो वो जो स्पार्कलिंग क्लीन वाली जो एक फीलिंग आती है ना आपको, वो आती है जैसे ही बस को निकाला, जैसे अभी निकाला ना बिल्कुल गर्म हो रखे हैं और ऐसा बिल्कुल ऐसा चमक वाली की बिल्कुल साफ सुथरी बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन वाली फीलिंग आती है। आई जस्ट लव दैट फीलिंग। तो जैसे डिश वॉशर का काम हो जाता है ना तो मैं ही आके जनरली इसको खोलती हूँ, बहुत गर्म स्टीम निकलता है इसमें से और बर्तन ऐसा बिल्कुल चमकता हुआ फील होता है। आजकल हवा इतनी चल रही है ना, इतनी हवा चल रही है, धूप भी है बाहर, अगर देखो आप यहाँ से बहुत सुंदर लगता है बिल्कुल हरा हरा, बिकॉज स्प्रिंग आ गया ना, हरे हरे बिल्कुल नए पत्ते। और हमारे बालकनी से व्यू ऐसा है ना कि आपको सीधा पेड़ के ऊपर का टिप दिखता है, बिल्कुल हरा हरा दिखता है, इतना सुंदर लगता है ना। कपड़े ना इमीडिएटली सूख जाए तो अंदर ले आओ और फोल्ड करके रख लो, वरना मिट्टी इतनी हो जाती है ना, इतना बारीक डस्ट होने लग गया है। स्पेशली पुणे हैज बिकम लाइक इतना कंस्ट्रक्शन ज्यादा, इनफैक्ट सब सिटीज का टाउन का सेम ही हालत है, बट देन हमारे घर के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह इतना चल रहा है, इतनी धूल आती है ना, तो मैं कपड़े ऐसा होता है जैसे सूख जाता है ना इमीडिएटली निकाल के फोल्ड करके ही रख देती हूँ अंदर, बाहर भी रखूँ तो भी ऐसे डस्ट डस्ट सा फील होता है मुझे। अब देखना टॉवल्स अभी नए नए बिल्कुल वॉश होकर रखा है ना, अब ना स्विमिंग पूल से आके अनन्या यही टॉवल लेगी बिल्कुल, उसको ना वो नए नई लॉन्ड्री वाली जो खुशी होती है ना वो बड़ा मजा आता है, उसको बोल के रखती है पहले की मम्मा जो न्यू टॉवल होगा ना वो मैं लूंगी। हमको तो ऐसा है कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं होता है, हम सब पुराना पुराना लें जो गीले गीले टॉवल होते हैं वो, और मैडम हमारी बिल्कुल ड्राई ड्राई सूखी सूखी ये वाली जो टॉवल वाली फीलिंग आती है ना वो चाहिए उसको। भाई अभी सुबह से मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था आईना के लिए बुक्स डिलीवर करवाना, तो जहाँ से हम बुक लेते हैं यहाँ पे जो शॉप है इतनी भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ होती है लाइक ऐसा है कि फुल डे आप बोल सकते हो, फुल डे मतलब थोड़ा एग्जैजरेशन होगा लेकिन आधा दिन, बिकॉज यहाँ से जाने में उस स्टोर में इट टेक्स टाइम, उसके बाद फिर वहाँ पे इतनी लाइन, बिकॉज काफ़ी स्कूल के बुक्स मिलते हैं वहाँ पे, इतनी लाइन। सो आई गॉट देम ऑर्डर्ड लास्ट ईयर भी डंजो से, इस साल भी मैंने सुभाष को ये बोला कि डंजो से करते हैं, तो उसकी बुक्स ना कल तक अवेलेबल नहीं थे, आज आ गए हैं, तो भाई डंजो में ऑर्डर दिया है मैंने, तो बंदे ने फोटो भेजा मुझे, इतनी भीड़ ने कहा थैंक गॉड मैंने गई। सुभाष को मैं कल से बोल रही थी कि सुभाष ना डंजो से ऑर्डर करते हैं, सुभाष बस लाइक कि नहीं जाके लेके आएंगे ना क्या फर्क पड़ता है, तो सुभाष क्रिकेट खेलने गए तो मैंने ऑर्डर कर लिया। मतलब अगर है आपके पास सहूलियत क्यों ना अपना टाइम वहाँ पे लगाओ जहाँ पे जाके वेटिंग है, बेटर है कि भाई अगर अवेलेबल है ऑनलाइन आप कर सकते हो तो ले लो, बिकॉज 200 रुपये का 184 समथिंग का वो लोग डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, तो इतना तो अगर आप खुद भी जाओगे गाड़ी लेके पेट्रोल का खर्चा वर्चा तो इतना तो हो ही जाता है। तो देखते हैं, अभी बंदा पेमेंट कर दिया मैंने, बंदा निकला है वहाँ से, बस आ जाए सही सलामत बुक्स आने में आके, सुपर एक्साइटेड है, उसको मैंने बताया नहीं उसके बुक्स आने वाले हैं, उसको बोला था एक दिन मैं ऑर्डर करूँगी, तो इतनी खुशी उसको मेरे न्यू बुक्स, सबको होती है ना, हम भी जब छोटे थे हमको भी ऐसा होता था ना नए क्लास में जाओ कि नए बुक्स। सो ये रहे हमारे सारे दवाइयों के पैकेट्स, आई रियली होप वापस ये पैकेट्स ना आए, मतलब ऐसा है ना दवाइयाँ एक बार स्टार्ट होती हैं आप सीन खत्म ही नहीं होती हैं, मतलब भट्टी जाती हैं भट्टी जाती हैं, किचन में भी ऐसे इतने सारे पैकेट्स हैं, अब इन सबको एक बार देख देख के ना कि क्या काम का है क्या काम का नहीं, क्रोसिन वगैरह है वो सब, तो देख के एक बार इनको भी सेट करना पड़ेगा क्या फेंकना है और क्या रखना है। ये अभी अनन्या आएगी तो बहुत खुशी हो जाएगी देख के, आ गए अनन्या की सारी बुक्स, जस्ट गॉट देम डिलीवर्ड। चलो अभी इनका काम है इनको बैठ के ना वो सारा वो करना, कवर करना सबको बैठ के, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग टास्क जितना हमारे टाइम पे होता था, हमारे तो क्या ब्राउन कवर उसके ऊपर प्लास्टिक कवर नेम प्लेट, वो नेम प्लेट मतलब नेम वाला स्टिकर उसमें नाम लिखना, दैट यूज टू बी ह्यूज टास्क। इनका तो बस एक ऐसा आता है ट्रांसपेरेंट, बस ये लगा लो, लगाओ तो भी बढ़िया नहीं लगाओ तो भी बढ़िया, तो चलो बैठ के, बट यस कॉपीज में नेम लिखना वो सब मैंने को बड़ा मजा आया था, तो एक मार्कर मंगाऊंगी तो बैठ के सुभाष और अनन्या का ये जॉब होगा आज। हवा इतनी है, ये देखो मेरा लाफ टूट गया, लिव और लव ही रह गया, इसको या तो चिपकाऊंगी या तो इसको निकाल दूंगी, कुछ और देखेंगे, लेट्स सी सुभाष आते तो डिसाइड कर, सुभाष तो बहुत दिनों से लगे हुए हैं निकाल दो गिरता रहता है, ये वाला गिर रहा था काफ़ी, ये तो लगे हुए थे बट आज ये फाइनली टूटी है। किचन में लंच की प्रिपरेशन की जाए, काफी लेट हो गया है तो मैं भी वैक्यूम वगैरह बाद में मारूंगी, एक बार लंच बना लूं, बिकॉज आईनी आएगी स्विमिंग से उसको लगेगी तेज वाली भूख,
देखती हूँ क्या बनाना है, समझ में नहीं आ रहा। बीन्स का सोच रही हूँ दाल में डाल के ना मिक्स दाल जैसे बना लूँ। और यहाँ पे भिगो रही हूँ मैं साबूदाना, और साबूदाना तो अभी ऐसा नवरात्रे हैं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ बन रहा है, पर इस बार पहली बार मैंने ना साबूदाना का खीर बनाया। इतना ईजी, और मतलब इस हफ्ते 2-3 बार मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वापस चढ़ा रही हूँ, थोड़ा मीठा कम रखती हूँ। इतना इजी और इतना टेस्टी बनता है मुझे पता नहीं था। अनन्या को बहुत पसंद है, आपको याद होगा मैंने गोवा वाले उसमें शेयर किया था कि अनन्या को बहुत पसंद है तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो वही रीजन है, अनन्या का ही रीजन है कि मैंने बनाया। एंड रियली मुझे भी इतना पसंद आया, सुबह पहले कहते नहीं साबूदाना का खीर मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे चाट चाट के सबने लिटरली खाया है। तो वही मैं भिगो रही हूँ उसको, जब तक दाल वाल बनेंगे ना तब तक ये थोड़ा सा सोक हो जाएगा, और फिर बहुत जल्दी बन जाता है, 10-15 मिनट में बन जाता है। उसको 2-3 बार पानी से निकाल लिया है और इतना सा पानी इसमें छोड़ा है, उसको सोक करने के लिए रख दूंगी। तो ये थोड़ा सा सोक हो जाता है, जल्दी कुक हो जाता है, सब ज़्यादा सोक करना ही होता है। और यहाँ पे मैंने ली है मिक्स दाल, 4-5 तरह की दाल ले ली है, तो जैसे नॉर्मली दाल बनाते हैं वैसे बनाऊंगी, बस इसमें बीन्स कट करके डाल दूंगी। तो ऐसे आप कुछ भी सब्जी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो दाल में, बीन्स डाल सकते हो, तोरी डाल सकते हो, लौकी डाल सकते हो, लौकी तो बेसिक है, तो वही है, तो बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनता है, तो वही बनाने वाली हूँ। बाकी दाल जो नॉर्मल तड़का बनता है वैसा ही बना ली। साथ में बना रही हूँ धनिया पत्ते की चटनी। धनिया पत्ते के जो ऐसे स्टेम्स होते हैं ना उनको मैं फेंकती नहीं, चटनी में यूज करती हूँ, काफी अच्छा उसका फ्लेवर आता है। तो वही जो बेसिक होता है, लहसुन है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक है, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, और मैं थोड़ा सा लूंगी जीरा भी इसमें, और जो नमक है वो सेंधा नमक या फिर वो जो पिंक सॉल्ट होता है ना वो यूज करूंगी। ये सब डाल दिया इसमें, अब इसको पीस लेंगे। इसमें आप दही भी डाल सकते हो, तो उसका भी मतलब बहुत तरीके हैं बनाने के, आई एम जस्ट मेकिंग अ बेसिक वन। साबूदाना यहाँ पे सोख हो गए हैं, एक्स्ट्रा पानी मैंने जो है उसको फेंक दिया है, और यहाँ पे दूध में एक उबाल आने का वेट कर रही हूँ मैं। ऑलरेडी उबल चुका था लेकिन दाल वाल बनाए थे साइड में, और साबू भी ना सोख नहीं हुआ था। सो दूध में उबाल आ गई है, तो जो साबूदाना है उसको इसमें डाल देना है, इतना सिंपल है, और बस इसको उबलने देना है 15-20 मिनट, और उसके बाद जितना ही आप सेट होने को देते हो ना, जैसे बन जाए ना, उसको बंद करके जितनी देते हो उसको आप सेट होने को छोड़ते हो ना, वो थोड़ा थिक हो जाता है और साबूदाना का फ्लेवर और अच्छा आता है। सो पहले से बना के रखे ना, मुझे तो मतलब थोड़ा लेट हो ही गया, बट एनीवेज, तो अब इसको बस हमको 15-20 मिनट, आई मीन डिपेंडिंग अपॉन, आप टच करके देख सकते हो कितना सॉफ्ट हो गया है, बस इसको उबलने के लिए छोड़ना है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स और यू नो कुछ जो भी है, एक मिनट, इसमें आप ना अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हो, कोई सा भी क्रश करके, बट आई कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज सबको हमारे घर में बिल्कुल सिंपल सा ही पसंद है। तो ना इसको रोस्ट करने की जरूरत है जैसे चावल वाले खीर में करना पड़ता है, सिंपल ऐसे उबाल दो, चीनी डाल दो थोड़ी देर बाद में, जब ये ना थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो उसमें चीनी गुड़ आपके हिसाब से आप डाल दो, इलायची पाउडर मैं डालती हूँ कि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एंड इट इज डन, दैट सिंपल। कभी ट्राई नहीं किया है ना तो डेफिनेटली ट्राई करना, मतलब हमारे घर में तो ऐसा है कि सब चाट चाट के ऐसा मुझे दे दो बचाए, तो वैसा होता है। तो बोला था स्विमिंग के बाद अगर भूख लगे तो कुछ फ्रूट ले लेना, अन्य सबसे महंगा फ्रूट उठा के लेके आइए ढूंढ के, मीठा है भी अभी अच्छा नहीं है सीज़न, वो आम का है मीठा, वैसे आम आने तो लगे हैं। चलो अनन्या ने इस सीज़न का पहला आम से वो कर दिया, क्या बोलते हैं, मैंगो सीजन स्टार्ट्स विद अनन्या मैंगो टुडे, करेक्ट, इसे गपड़ गपड़ खा रही है। काफी बार मल्टीटास्किंग महंगा पड़ जाता है, मुझे लगा यहाँ पे ये बनता रहेगा, मैं तब तक वैक्यूम और पोछा कर लेती हूँ, और ये दूध देखो यहाँ पे उधर ही गया, चलो एक और काम आ गया। अभी इस टाइम पे वो सुभाष होता तो एटलीस्ट आई वुड हैव
एक्सप्रेस्ड माई सैडनेस, सुभाष देखो दूध गिर गया। लेकिन वही होता है ना, जब घर पे कोई होता नहीं है ना आपको करने के लिए, तो आप चुपचाप काम करते रहते हो। हाँ नन्या, एक मिनट बाबू आ रही हूँ, दूध गिर गया यहाँ पे। वापस चढ़ा देते हैं। अच्छा है कि मैंने ना साइड बाय साइड वो दूध, फ्रेश दूध भी गर्म करने को रख दिया है। हॉटलिस्ट मेरे पास दूध है इसपे डालने के लिए, तो इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी। अपने हिसाब से आप ज्यादा कम डाल सकते हो, मैंने बिल्कुल कम रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर बना रही हूँ मैं। और ये इलायची का पाउडर, बस इतना ही। अब इसको बंद करके रख देंगे, और थिक होगा तो आप चाहो तो बाद में ना दूध गर्म करके इसमें डाल सकते हो, अगर आपको लगे कि ज्यादा थिक हो गया है, पतला चाहिए आपको। सो नहाना हो गया है, और सबसे पहले मैंने साबूदाना की खीरी निकाली है। मन कर रहा है ऐसा ना एक चम्मच पहले ये खाएं। चलो, काफी बार होता है ना सर, डेजर्ट इज लाइक पहले स्टार्टर से पहले डेजर्ट खाओ उसके बाद फिर खाना खाओ, तो वैसा ही है। बहुत टेस्टी बना है, देखो थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये हमारी सिंपल येट वेरी डिलिशियस और हेल्दी थाली आज की, ऊपर से दिखा देते हैं ऐसा। सो ये तो आपको पता है साबूदाना है, और यहाँ पे है दाल तड़का बीन्स वाली, ये कल की थोड़ी सी सब्जी बची हुई है वो, चटनी और प्याज जिसमें नमक और नींबू निचोड़ा हुआ है, और बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी भी आ गया है। भाई अनन्या क्या हालत कर रखी है आपने बेड की, मैंने पूरा घर सेट किया है। हाँ एक रबर बैंड के लिए इतना, वो सुपर बिजी आई है तो मिल ही नहीं रही आज। कहाँ जा रही बता दो, वो भी इनका मूवी का प्लान है आज। इतने गुस्से में निकली बाहर, एक्चुअली इसके बैंग्स के अभी है ना ऐसे साइज हो गया है कि ना पीछे जाते हैं और आगे करो तो ऐसे अजीब से आड़े टेढ़े हो रहे हैं। तो मैं गुस्से में गई कि क्यों करवाए मैंने बैंग्स, बाहर हवा भी चल रही है, मतलब अभी हवा को कैसे बंद कर सकते हैं भाई हम उसके बैंग्स के लिए। और भाई दिखाओ दिखाओ जीत के आया ना, मेरे सुभाष की चाल से पता चल जाता है भाई, जैसे घर में एंटर होता है ना, पता नहीं क्यों। आज क्या लास्ट टाइम फील्डिंग का लेके आया था, लास्ट फील्डर था इस बार बॉलर, बेस्ट बॉलर। चलो मुबारक हो, मतलब अंदर एंटर होती मुझे समझ में आ जाता है, चाल ही अलग होती है हारने वाली और जीतने वाली। लास्ट सैटरडे को मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, तो सुभाष उस टाइम क्रिकेट के लिए गए थे, सुभाष की भी तबीयत खराब थी, मैंने उसको बोला था सुभाष तुम ना फील्डिंग मत करना, और सुभाष उस दिन बेस्ट फील्डर का अवार्ड लेके आया था। चलो कोई नहीं, कांग्रेट्स। नया वाला पोछा आपको याद है मैंने मंगाया था, आई थिंक 2 महीने भी नहीं हुआ ना सुभाष, 2 महीने, और उसकी हालत बुरी हो गई है। तो वापस हम लोग आए हैं ये सेम पोछे पे, वो हरा वाला पोछा जो मेरे पास था ना पुराना, तो वही मैंने रीऑर्डर किया था पहले भी, इनफैक्ट मैं वही ऑर्डर करती थी हमेशा, लेकिन सुभाष जी तो सुभाष को ट्राई करना था नया पोछा, चेंज था ना इसको, खराब निकलेगा। उसका प्रॉब्लम ये है कि पोछा जो डंडा घूम रहा था नहीं घूम रहा था वो अलग चीज है, बट उसका जो ये है ना पोछे का, ये इसमें कैसे पूरा भरा हुआ है, पूरा एक स्वाइप करो पूरा पोछा लग जाता है, उसमें बीच में इतना गैप के बीच में, मतलब पूरा पोछा लगता ही नहीं था, चोचले ज्यादा थे उसमें, साबुन लगाने का अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये बेसिक है बिल्कुल पोछे का, इतना बढ़िया है, मतलब लास्ट वाला मेरा 2 साल के 3 साल चला, उसके बाद जाके खराब हुआ, और ये पुराना वाला कौन सा गाला या कोई ब्रांड का था जो खराब हो गया, 2 महीने में, नहीं नहीं जो खराब हुआ, अच्छा वो गाला था, हाँ 2 महीने भी नहीं चला उसका काम हो गया। इसमें है लेकिन ये जब ये पोछता है ना पूरा, हाँ पूरा ऐसे पोछता है, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, बट ये पूरा पोछता है, उसमें इतना प्रेशर लगाना पड़ता था, ऐसे करो तो बीच वाला एरिया पूरा खाली। चलो एनीवेज बहुत हो गया, रैंटिंग बहुत हो गई। तो ये बिल्कुल बेसिक है और मुझे बहुत पसंद है ये वाला, होगा नीचे। चलो बाकी तो आप लोगों ने देखा, ये पोछा क्या दिखाऊं। So, ये देखो एक स्वाइप में पूरा कैसा पूरा मस्त कवर होता है और ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, तो इन केस आप पोछा देख रहे हो तो आई विल डेफिनेटली हाईली रेकमेंड दिस, ब्रिसल्स इतने मस्त हैं इसके, यही लेना बहुत अच्छा है, बाकी और कुछ मत लेना, ये सुभाष जैसे चक्करों में मत पड़ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए फैंसी फैंसी। शाम हो गई, जस्ट शाम की चाय मैंने चढ़ाई है, सुभाष सो रहे हैं और निहाली और अनन्या बैठ के यहाँ पे अपने बुक्स देख रहे हैं। निहाली एक क्लास बड़ी थी ना अनन्या से, अभी भी मतलब है, तो जस्ट चेक कर रही है कि कुछ चेंज। यू नेवर नो। सो निहाली सब और अनन्या बैठ के चेक कर रहे हैं क्या चेंजेस आए हैं बुक में, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है ना, जीके हैज टू बी डिफरेंट बिकॉज जीके हर साल चेंज होता है। ना बकेट भी ऑर्डर किया था मैंने, काफी अच्छी क्वालिटी का निकला, एक मग और एक बकेट। बकेट ऐसी चीज है ना जो ऑर्डर होता ही नहीं है, मुझे लगा था छोटा होगा बट देन इनफ है, दिस इज टू बिग, 25 मीटर का है। सो चलो इसको भी आज से ही
शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इसका भी। सो वो जो बकेट हमारे बाथरूम में, आई डोंट रिमेम्बर मैंने खरीदा कब था, इतना पुराना हो गया है वो। फाइनली एक बकेट जो है ना वो लीक करने लग गया है, उनका चलो मनाया मंगा लेते हैं, काफ़ी दिनों से उसको काम चला रहे थे। ओके दिस इज हाउ इट इज, हैंडल एवरीथिंग काफ़ी सॉलिड है और इसके साथ मग भी काफ़ी बड़ा सा ही है। चलो बाथरूम के लिए आगे नई चीज। सो अरण्या के सारे स्कूल के स्टेशनरीज बुक्स तो आ जाए गए थे और स्टेशनरीज भी आ गए। स्टेशनरी नहीं आया, पेंस वगैरह मेरे। हाँ तो दीज आर ऑल्सो टिफिन बैग, ये सब टिफिन बॉक्स, टिफिन वगैरह वगैरह। चलो आप जाओ मैं दिखा दूंगी क्या क्या है इसमें। अरण्या इज गेटिंग लेट, नीचे जाना है आपको। मैं मेरा फेवरेट दिखाती हूं, द वाटर। हां तो ये मैंने वॉश करके आज सुबह बिल्कुल रेडी करके रखा है कि अरण्या के स्कूल होगा तो आना डायरेक्ट पानी डालेगी और लेके जाएगी। आउच लगी इस बार एक्चुअली जानबूझ के अरण्या ने ये बॉटल लिया है जिसके मुंह पे ऐसा है, बिकॉज अदरवाइज बस में जब ये खोल के पीती है ना तो बस में, स्कूल बस में ना, तो ये हिलता है तो पानी पी नहीं पाती, इसलिए हमने ऐसा लिया जिसका मुंह ऐसा है तो इजीली पी सकती है। आपको दिखाना है क्या? नहीं, ठीक है दिखा। ओके दिखा दो। ओके सो ये बॉटल हो गया, खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। इसमें और भी कलर्स थे क्या? मुझे याद नहीं आती, और भी कलर्स थे। अच्छा है, स्टील का है अंदर पूरा ये, है ना, और लाइट भी है बहुत, और ये करने में बहुत मजा आता है। तो जनरली रहने के लिए बहुत हैवी वाले मैं बॉटल्स पहले लेती थी स्टील वाले, बट अब मैंने ये लाइट रखा है क्योंकि उसका बैग काफी हैवी रहता है तो थोड़ा बॉटल लाइट रहेगा। ये अरण्या का टिफिन इस हिसाब से है, ऊपर प्लास्टिक है और दिस इज डिश वॉशर सेफ, तो मैंने उस हिसाब से ही लिया है। तो इसके साथ एक स्पून आता है। सो अच्छी क्वालिटी है, बाकी यूज करेंगे तो पता लगेगा। इंसुलेटेड है, खाना गर्म रहेगा, डबल लेयर है इसमें। हो रहा है बंद, टाइट है ना? हाँ थोड़ा टाइट है। यूज करते करते ठीक होगा, तभी तो ये वो ऐसा है ना कि इसमें से निकलेगा नहीं, लीक नहीं होगा, लीक प्रूफ है। अब मैचिंग में अरण्या का बिल्कुल पिंक एंड पीच, और ये है टिफिन बैग, तो इसमें एक साइड में ऐसा पॉकेट है, इसमें आप बॉटल रख सकते हो। इधर भी है, अच्छा दोनों साइड में है, तो आप बॉटल जूस वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे जिप है, इधर टिश्यू वगैरह के लिए और इधर मेन टिफिन के लिए। यस वैसे ही है, इंसुलेटेड है। वैसे इंसुलेटेड बोलने के लिए होता है, इतना इंसुलेटेड होता नहीं है खाना, ऐसा कुछ गर्म रखता नहीं है, हल्का रखता होगा, आई डोंट नो, बट सब वैसे ही है। नोबडी नोज। तो ये ऐसा कॉटन टाइप मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, देखते हैं कैसा निकलता है। अच्छा मटेरियल, लास्ट टाइम प्रिंटेड था, इस बार मैंने सब सॉलिड कलर्स में लिए हैं। सो जस्ट गॉट रेडी, किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसा होता है ना वीकडे में सारे काम आप सोचते हो वीकेंड में करोगे, तो वही काम करने के लिए निकल रहे हैं मैं और सुभाष। और मैंने कैमरा जस्ट खोला जस्ट टू शो यू कि देखो बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कटे हैं ना, तो मतलब मैं मेक श्योर करूंगी कि आप कमेंट करके बोलो कि हाँ मानसी अच्छे बाल कटे हैं, बट एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इस बार, काफी अच्छे, बिल्कुल लेंथ भी है। आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैंने लेंथ काटा है दैट इज ऑल्सो नाइस, एंड ये लेयर्स भी काफी अच्छे निकल के आए हैं, कमेंट पक्का करना। तो जिस काम के लिए थे सारे काम ऑलमोस्ट डन, अभी बस थोड़े से ड्राई फ्रूट खत्म हो रहे थे तो वही ले रहे हैं, तो इसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। आज तो मतलब ऐसा है कि काफी सारे काम पेंडिंग थे, ऑल डन हो गया। तो यहाँ पे कढ़ाई है लौकी की सब्जी, सिर्फ टमाटर प्याज वही जो फ्राई करते हैं, बेसिक सब्जी फ्राई करके उसमें लौकी डाल दी है बस। लो सब्जी बन गई है, थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डालती क्या कलर निकल के आता है ना। चलो हो गया। सो आपके सबसे पहले ना डिनर चढ़ा है बिकॉज लेट हो रहा था, तो अभी डिनर करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, आई रियली होप आपने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।